हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक डेरिवेशन करते हैं लॉ पहले गामा फोर्सेस। प्रॉब्लम है आर इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स पी एन क्यू। इफ क्यू इज डबल, न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू पी, प्रूव दैट क्यू इज इक्वल टू आर। लॉ ऑफ पैरेलल गामा फोर्सेस का फॉर्मूला आप जानते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। अब जो सेकेंड केस है, फॉर सेकेंड केस इन्होंने दिया रिजल्टेंट इज इंक्लाइंड एट 90 डिग्री टू द फोर्स पी। तो 1090 इज इक्वल टू क्यू कॉस साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। 1090 इन्फिनिटी यानी 1/0, 1/0 इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस टू क्यू कॉस थीटा, क्योंकि क्यू की वैल्यू हमने डबल कर दी। फ्रॉम इक्वेशन टू पी प्लस टू कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, टू क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस पी, तो इक्वेशन नंबर थ्री हो जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ टू क्यू साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन थ्री इंटू इक्वेशन वन, ये जो इक्वेशन वन आपको दी गई है, तो इसमें आर स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब टू क्यू कॉस थीटा इजकल टू माइनस पी, तो माइनस पी की वैल्यू करेंगे इंटू पी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर इजकल टू क्यू स्क्वायर। अब अंडर रूट लेंगे दोनों साइड में, तो आर इजकल टू क्यू। थैंक यू फ्रेंड्स।